मॉर्निंग हो गई है और मॉर्निंग के काम मेरे शुरू हो गए हैं, और आज मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है। तो आप लोग बने रहिएगा, फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती रहूँगी मैं बीच बीच में, आप लोगों से बात करूँगी, और जहाँ मैं जा रही हूँ आप लोगों को भी लेकर चलूँगी। तो अब मैं नहा कर आ गई हूँ, फटाफट से तैयार हो जाती हूँ क्योंकि लेट हो जाएंगे, फिर रास्ते में भीड़ मिलती है बहुत ज़्यादा, तो जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। डफी तेरे को छड़ी से मारेगा, भैया बोल रहा डफी को छड़ी से मारूंगा। चलिए साहब। हेलो हाँ बेटा, जल्दी आ जाओ, चुप करो। अनिल मेडिकल स्टोर नहीं खुला अभी। बाय 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 बाय। कह रहा दीदी मम्मी पीछे बैठोगी ना, मैंने कहा हाँ। ये पर्ची हटा दियो, शर्ट लग गई। क्या हुआ? दिखाओ ना यार इसको, फिर यहाँ बढ़िया लगने लगी मार्केट से। अपने किसी भी टाइम सब्जी ले लो या नहीं, पहले तो बाजार का वेट करना पड़ता था। जो ये थे ठेले वाले थे, बड़े भाव बढ़ रहे थे इन लोगों के। महंगी तो खैर ये भी देते हैं, नहीं महंगी खूब देंगे अभी। हाँ महंगी तो खूब देते हैं, बड़े वहाँ से लिया हुआ जनकपुर सस्ती मिले। हाँ की ना बनाने की, उसकी ना बनाने की, जब उसकी जब दूर हो जाएगी, जब बन जाएगी मंत्र। चार पाँच बजे तक आ जाऊँगा मैं, ठीक है? हाँ बता दूँगा मैं, आ जाइए। दो ही रोटी का आटा रखा था, वो तो मैंने भिगो लिया था, वरना दिक्कत हो जाती फिर। इन्हें आदत है ना सुबह खाने की। हाँ चाहती क्या क्या राधा राधा।
गाड़ी गई है कोई रोड पे धूल हैदरपुर जा रहे हैं हैदरपुर रिश्तेदार हैदरपुर के रिश्तेदार आ रहे हैं जो मिलेंगे सब हैदरपुर मिलेंगे जाते हुए नहीं रणवीर सिंह की मौसी रणवीर सिंह की घरवाली रानी और कभी पौधे के नीचे बोल रहे हैं कॉल में जा सकता अब क्या है वैसे करने का भाई जाम लग गया रेड लाइट हलवा जाओ दादपुर सर हम चल रहे हैं किस टाइम चला गया ठीक है कल जाएगा ये कल हाँ सुबह शाम बता दे किशन चलना कम सुबह अच्छा हैदरपुर जाओगे फिर तो बोल रहा था जाऊंगा हाँ हैदरपुर जाऊंगा ये क्या है रेडी ये क्या है ये मिलिट्री की सब बनी हुई डह भी रही तो इनकी टीन वीन भी टूटी हुई है ऊपर से सप्लाई डिपोर्ट मेरठ शेरावत चौक नंगे भूल जा करेगा एक बार की याद है आपको जानवी ऋतिक छोटे थे इन दोनों फैन भाई को रख लिया था इसके दादाजी ने अब जानवी तो सो जाती थी अपनी दादी के साथ कोठरी में और ऋतिक बाहर निकल के बम्बे में नहा के आता था सबके साथ छोटा सा ही था और मोनू की शादी में वो पहने थे उसने कुर्ता पजामी थे उसके है ना शेरवानी वो पहन के सहरा लगा कर जिन किसका सहरा रखा था उसके भोपा जी का कोई से का और सॉरी दोपहर ही भैंसे के ऊपर बैठा रहता था ऐसा हो क्या है दोनों बहन भैया ऐसे हो क्या है काले मैं तो सोती थी जब ये घर आ गए ना मुझे इतनी शर्म आ रही इनकी शक्ल देख देख कर लगा बंगी के बच्चे हो मैंने ने 8 दिन तक मैंने ही अंदर से ना निकलती और नीला उदला अंदर घुसा दूं वो ज्यादा काला हुआ था मैंने कहा जब बिल्कुल गोरे हो जाओगे जब निकलना बाहर ऐसे हो गए बंगी के बच्चे हो ऐसे बैठ रहेगा वैसे को अब इसके दादाजी इतने खुश ऋतिक तो मस्त रहेगा इसका तो बहुत बढ़िया है गाँव में जी लगा है तो यूं ये तो हूँ मैंने कहा अच्छा खेती सीमा लगा मेरी पानी चलाई करेगा गीटू इसे रोकना नहीं आता इसे कसरत चलाना नहीं आता बड़ा मेहनती बनेगा ये एक दिन मैं पानी चला रहा इससे दिखा कि हाँ भी पानी टूट रहा नाली में लेट गया ये वो ही रीति गया अब हाँ तो ये तो खाते ही हैं ड्रिंक भी करते हैं ये तो लेकिन लिमिट में करते हैं हाँ ना वो आराम ही थे एक जान में तो क्या है कहा सुबह से पी लेगा रात तक लिया है बिल्कुल ये तो कहते साथ के हैं सब कोट ले ले पोजीशन बड़ी हुई है हाँ बीता रहा सामने अपनी पोस्ट का फायदा उठाते हैं ये लोग नहीं नहीं पीने का असर नहीं होता हाँ सारे में टूट फूट मची पड़ी है पेट्रोल मकान सब तोड़ गए सही है
सही में भाई हम रास्ते में है और यहाँ पर रुके हुए हैं। यहाँ है गन्ने का जो क्षेत्र होता है ना, गन्ने का जूस निकलता है, तो वहाँ पर रुके हुए हैं और गन्ने का जूस पीना है। गर्मी से गन्ने का जूस ना पिया तो क्या पिया, तो आ जाइए आप लोग भी पी लीजिएगा हमारे साथ में गन्ने का जूस, और दिखाती हूँ आपको। सफारी में ना आता तो शायद पास भी हो सकता। वो एग्जाम नहीं दिए थे उसमें, बस शो करने आता था वो, शॉप के लिए आता था, एग्जाम के लिए कौन आता था। सेंटर पे भी क्या पता ना पहुंचता हो, क्या पता सेंटर पे भी ना पहुंचता हो। पास पास शॉप ज्यादा करता है। अब सीरियस हो गया वैसे, अब ना करता इतना शॉप। तो गर्मी बहुत हो रही है और गर्मी में गन्ने का रस जो होता है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है, और पीने का मन भी करता है, प्यास भी नहीं लगती उससे, और गर्मी भी थोड़ी शांत हो जाती है। तो चलिएगा, फाइनली हम पहुंच गए हैं जहां हमको जाना था, तो गाड़ी हम यहीं पे पार्क कर देंगे साइड में, यहां पे जो ये फाउंटेन दिख रहा है, फाउंटेन के पास ही। कोई नहीं, चीन चले जाएगा। मैं चीन लूँगी उससे वापस पिटाई लगा के। फेमस है मार्केटिंग हवाना। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पता नहीं कौन सी जगह पे आ गई हूँ, तो कुछ लोगों ने तो ये जगह पहचान भी ली होगी जो आए होंगे यहाँ पे कभी, और जिन्होंने नहीं पहचाना है, जिनको नहीं पता है, वो मेरी वीडियो को ध्यान से देखेगा। मैंने बीच बीच में बताया है मैं कहाँ पर आई हूँ, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो हम लोग वहीं पे आ गए हैं जहाँ हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी हुई थी। यहाँ पे देखिएगा कितना बड़ा बरगद का पेड़ है, बहुत पुराना है ये, बहुत ज़्यादा पुराना, देखिएगा देखने से ही पता चल रहा है। बट यहाँ पे ठंड बहुत थी, इस पेड़ के नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी तो रहती है रोड पे। ये छोटा मावा ना वो बड़ा था ना, ऐसे थोड़ी ककड़ी खीरा है वहाँ पे।
दिखाऊंगी भीड़ गाड़ियों की लाइन सीएनजी के लिए लाइन लगी हुई है गाड़ी को बहुत लंबी गाड़ी की लाइन लगी हुई है जहाँ भी देखो सीएनजी पंप पे भीड़ लगी हुई है तो मैं खा रही हूँ बहुत गर्मी हो रही है और अभी हम यहाँ पर रुके हैं आके यहाँ कुछ खाना है तो भूख लगी है बाहर हवा में थोड़ा सा राहत है पेट के नीचे बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है अंदर फिर भी थोड़ी सी राहत है डैडी के पीछे पीछे ले जाऊं डैडी के पीछे क्या डैडी के पीछे क्या मिलेगा मुझे इनको बुढ़ापे का सर फोन लगा जी कर लें दो यहां गए हुए हैं हम अच्छा है अंदर से ही क्रिश्चियन भी नहीं बड़े बेटे क्रिश्चियन तो नहीं है बाहर बाहर से आते हैं यहां बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन हमारे यहाँ पे नीचे घूम अरे अंदर अंदर कुछ अब बोलो क्या सुनोगे बोलो रागनी ढोला आला रागनी ढोला 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 क्या होते हैं आला आला तो वो गाते थे नट तुम भी था होगे हम नट हैं बार बार नट कह रहे हो देख लो बार बार नट कह रहे हो समझ में नहीं आ रही हमने कह दी हम नट नहीं हैं नटों में ब्याह गए जरूर हैं पर नट है नहीं तो यहाँ मैं विंडो के पास बैठी हुई हूँ ये विंडो है और यहाँ से बहुत अच्छी हवा आ रही थी उधर पीछे की तरफ ना खेत हैं वो सामने जो दिख रहे हैं यहाँ पे यहाँ बहुत अच्छी हवा आती है इस विंडो से मैं तो नहीं देती एक रुपया नहीं दूंगी आपको पहली बात तो एक्सीडेंट ही कुछ हो रहा है नशे में तो है ही नशे में लेकिन ले नशे में ही है ये�
ये रिश्ता है। पुलिस में ये ना देख रहे, बुरा देख रहे हो बस। तो हम लोग आ गए हैं घर पे, रात हो गई है। आप लोग व्लॉग देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग में। गुड नाइट।